Now, सर मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आज अपने पड़ोस में एक टेरेस गार्डन पे। बहुत ही प्यारा गार्डन है जो कि मैं दूर से अपने फ्लैट के टेरेस से देखा करता हूँ ज़्यादातर। और आज मैंने इनके मालिक जो हैं दुग्गल साहब, उनसे परमिशन मांगी कि मैं आपका जो टेरेस गार्डन है जो आपने बहुत बढ़िया ढंग से रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, उसका मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। परमिशन मिलते ही मैं आ गया हूँ और अभी एक शॉर्ट ओवरव्यू मैंने दिया है और उसके बाद ये इतना ही नहीं है, ये इसके ऊपर जाकर छत पे जो इसका मेजर पार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं आपसे आपके साथ भेंट करवाता हूँ जो कि अंकल जी हैं दुग्गल साहब और उनके मिसेस, दोनों बहुत ही टाइम देते हैं। और उनके बेटे जो हैं करुण, वो भी अपना एक तरह से इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, उनको कंपोस्ट उपलब्ध करवाते हैं। मैं उनसे भी आपकी भेंट करवाता हूँ। तो मिलिए दुग्गल साहब से और उनके फैमिली से। सर नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट गार्डनिंग। और ये हैं दुग्गल साहब, निरंजन दुग्गल, जैनेंद्र दुग्गल, आई बेग ए पार्डन। और ये हैं उनके मिसेज दर्शन दुग्गल, अपना नाम फिर से बता दें, दर्शन दुग्गल जी। और ये बेटे हैं उनके करुण दुग्गल साहब। तो ये फैमिली है, मैं इनसे पहले भी एक बार मिल के गया हूँ। नीचे बच्चे हैं इनके, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। मैं उनसे मिला हूँ और काफ़ी शिष्टाचार से मिलते हैं और उनको भी गार्डनिंग पसंद है। तो अभी आज मेरा ये एफर्ट है कि मैं उनसे मिलवाऊँ जिन्होंने इस गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। तो सर बताएं ये कब से शुरू हुआ ये गार्डन, जो आपका जो शौक जो है, ये जो आपने लगा रखा है यहाँ पर भी, ये इस फ्लोर पे और टॉप पे भी जाकर, तो आप बताएं कब शुरू हुआ ये? तो जब से हम आए हैं तभी से शुरू हुआ है। अच्छा जी, बचपन से हमारी ये शौक है। अच्छा जी, हमारी पहले थोड़ा आवाज, हाँ, केवल पार्क आजादपुर में पहले 1000 गज जमीन थी। अच्छा, कहाँ पर ये? आजादपुर में 1000 गज जमीन थी। अच्छा, हम गार्डनिंग वगैरह करते रहते थे। शौक वहीं से बिल्डअप हुआ आपका। अच्छी बात। तो फिर ये बढ़ता गया और ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी पेड़ लगाए हैं आपने। हाँ। जो जिसमें फिर फ्रूट्स के पेड़ हैं और वेजिटेबल्स हैं और दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मैंने देखे हैं और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं यहाँ पर, वो मैंने देखे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे यहाँ गुड़हल है और काफ़ी हैं। तो मैं पहले ही इंस्टेंस में जब मैं आया था लास्ट विज़िट में, ये मेरी सेकंड विज़िट है आपके गार्डन पे, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था, काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। लेकिन तब मेरे मन में कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं इसका वीडियो बनाऊं आपके गार्डन का। तो आज मेरे मन में, आज ही जनरेट हुआ ये आइडिया मेरे मन में आया और आज ही मैंने आपसे परमिशन मांगी कि मैं आपका वीडियो बनाऊँ। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी परमिशन। मैडम से मिले, इनके मिसेज हैं, नाम बताएं फिर से। आप बताएं, इन्होंने पहले शुरू किया, अंकल जी ने ये शौक, या आपने शुरू किया? दोनों ने। ये इम्पोर्टेंट है, नहीं एक दिन नहीं हुआ होगा ये, इसके लिए तो मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा हुआ नहीं होगा कि एक ही दिन ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर दिया आपने, मतलब एक ही दिन शुरू नहीं हुआ होगा, पहले किसी एक ने। हाँ जी, शादी के बाद। ओके, तो पहले इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। वेरी गुड, फिर तो यही सही कहा आपने। तो आप आई शादी के बाद, इन्होंने ज्वाइन जब आप इनके फैमिली में आई, तो फिर आपका भी शौक शुरू हो गया पहले से था या शादी के बाद शुरू हुआ? शादी के बाद शुरू हुआ। तो आपने क्या क्या इसमें लगाया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आप बताएं? हमने इसमें लगाया है। आपका योगदान किस तरह से बढ़ा, मतलब इसमें इसमें
आपने यही ऑर्डरिंग करनी है, ये पौधे लगाती हूँ मैं ही लगाती हूँ, ये नहीं लगाते। अच्छा, पौधे आप लगाते हैं? मैं लगाती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और केयर ये करते हैं अंकल जी, केयर करते हैं? अच्छा, पानी वगैरह देते हैं, आके धूप भी सेकते हैं मैंने देखा है, तो धूप तो सेकना ज़रूरी है जब हमने इतना उसको मेंटेन करने में टाइम दिया है, और उनको एंजॉय करना ज़रूरी है, उनके साथ में बैठ कर एक कप चाय पीना ज़रूरी है, ये सब इंटेग्रल पार्ट बन जाता है एक एक प्लांट लवर का, जो कि पौधों से प्यार करता है, नेचर से प्यार करता है। तो और कुछ बताएं कि आपने कौन कौन से फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं, और उनके पास मुझे लेकर जाएं, दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, यहाँ से, हाँ यहाँ से शुरू कर दें, हाथ लगाएं पौधे को ताकि पता लगे। हाँ जी, ये कौन सा है? ग्रेप्स, अंगूर। ये ग्रेप वाइन है, अंगूर की बेल है, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऊपर तक जा रही है, उसके लिए पूरा रस्सी वस्सी बांधी हुई है ताकि वो ग्रो करके ऊपर जाके फैल जाए। तो इसकी केयर कैसे कर रहे हैं आप ग्रेप वाइन की? नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए स्पेसिफिकली एक खास तरीके से इसकी जो ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, जो खाद की वो पोषकता की, वो इसको मिलनी चाहिए, और ये और ज़्यादा ग्रो करेगी, डेफिनेटली फ्रूट्स तक आएगी, ये पक्का है। तो इसमें आपने नीचे भी कुछ लगा रखा है? ये नीचे मूली है। ये नीचे मूली लगा रखी, आपने सोचा सर्दियों में मूली खा लें और उसके बाद देखेंगे ग्रेप तो जब आएंगे आएंगे, तो ये भी अच्छा है। और ये बताएं ये कौन सा है? चीकू। ये चीकू है, ये लगाएं, हाथ लगाएं इसको, चीकू का पेड़ को, इसकी ब्रांच को छुएं, तो ये चीकू है जी, और देखकर गया था मैं, छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, आई थिंक ये मैं टच कर रहा हूँ, तो फ्लावर आएंगे, और गमला तो ठीक है, करीब 20 इंची का गमला दिया हुआ है। अच्छा, हाँ और भी फ्लावर्स हाँ आए हुए हैं। ओके ओके ओके, तो ये फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे। तो गमला 20 इंच का दिया हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी करीब पिछले 30 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ, टेरेस गार्डनिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा गमला दिया जाना चाहिए अगर प्रॉपर फ्रूटिंग लेनी है। और क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जितने भी उनके जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनकी ज़रूरत है फ्रूट के पौधों की, पर्टिकुलरली अगर फ्रूट तक आप ले जाना चाहते हैं पौधे को, तो वो मिल पाएगी बड़े गमले में। तो यूजुअली मैंने देखा है कि जो ड्रम आते हैं लोग फ्रूट के पौधे टेरेस गार्डनिंग में, उन्हीं में लगाते हैं, और वो प्रॉपर उनका सॉइल की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़मीन में पौधा होता है अदरवाइज, यानी कि फ्रूट देने वाला, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है ड्रम में। एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप आएँ, ये बताएँ, ये है जी कमरख। कमरख, ओह वेरी गुड। अच्छा, फ्रूट काफ़ी आया हुआ है, ये कमरख है, ये मेरे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, आप लोग देखें, ये देखिए काफ़ी फ्रूट आया हुआ है, और ये देखिए काफ़ी बड़ा फ्रूट भी है, और गमला वही 20 इंची का ही गमला है, और इसमें अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं। आप सबको याद होगा व्यूअर्स कि जब हम स्कूल में होते थे तो उस वक्त क्या होता था कि बाहर स्कूल के गेट के पास कुछ बेर बिक रहे होते थे और कुछ कमरख बिक रही होती थी, और हम उस कमरख को बड़े शौक से खाते थे, और 5 पैसे में या 2 पैसे में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, हमें तो 10 पैसे मिलते थे, तो वो बड़े होते थे बहुत, 10 पैसे बहुत बड़े माने जाते थे, और हम खुश भी होते थे 10 पैसे लेकर। तो आज तो वो लुप्त हो गए हैं वो कॉइन्स, तो हम ये खाते थे, और खट्टा होने के बावजूद हमें बहुत अच्छा लगता था, कभी दांत खट्टे होने की शिकायत